मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स, आज हम पढ़ेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर अक्सर शॉर्ट नोट आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेफिनेशन क्या होती है कि मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टीज व्हेन इट बिकम्स फिल्ड। जब भी किडनीज में नेफ्रॉन से बनने वाला यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू उसे खाली कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं मिक्चुरेशन। स्टेप्स इसमें क्या इन्वॉल्व होती हैं? यूजुअली हम मानते हैं जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है ये एक ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, ठीक है। ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। एंड कैन ऑल्सो बी इनहिबिटेड और फैसिलिटेड बाय द सेंटर्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और द ब्रेन स्टेम। तो यूजुअली तो ये ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, लेकिन इसका इनहिबिशन या फैसिलेशन सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल भी होता है, और सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेम दोनों से होता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आती है, सबसे पहले क्या होता है, ब्लैडर फिल होता है प्रोग्रेसिवली, यानी धीरे धीरे। जैसे कि हमें पता है GFR है नॉर्मली 125 ml/min या 180 L/day। तो अब हम 125 ml/min के हिसाब से बात कर रहे हैं कि ब्लैडर फिल्स प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे अंटिल द टेंशन ऑन इट्स वॉल राइजेज अबव अ थ्रेशोल्ड लेवल। जब तक कि ब्लैडर की जो वॉल है उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लेवल तक टेंशन डेवलप नहीं हो जाए प्रेशर की वजह से, तो धीरे धीरे GFR की वजह से यूरिन इसमें भरना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से इसमें टेंशन डेवलप होने लगती है वॉल्स में। ये जो स्टेप होती है फर्स्ट स्टेप, इसी की वजह से दूसरी स्टेप जो है वो इनिशिएट होती है। और दूसरी स्टेप क्या है, इट इज़ अ नर्वस रिफ्लेक्स, और ये जो नर्वस रिफ्लेक्स होता है इसे बोलते हैं मिक्चुरेशन, जिसकी वजह से ब्लैडर एम्प्टी होता है। और अगर कभी ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल भी होता है और इनवॉलेंट्री कंट्रोल, तो वॉलेंट्री कंट्रोल पे थ्रू अगर ये कई बार फेल हो जाता है डिज़ायर टू यूरिनेट, ठीक है, तो उसके बाद वापस से जो साइकिल है वो दोबारा बिगिन होती है विद मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। सो इफ इट फेल्स कॉज अ डिज़ायर टू यूरिनेट, यानी अगर ब्लैडर खाली नहीं होता तो यूरिनेशन के लिए पर्सन को जो है वो डिज़ायर जो है बार बार आती रहती है, और वो उसके साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इस डायग्राम में एक बार हम देख लेते हैं, इसे नॉर्मल सिस्टोमेट्रोग्राम है ये, और इसमें यूजुअली बताया गया है कि जैसे इनिशियली जो ब्लैडर फिल होना स्टार्ट होता है उसके बाद मैक्सिमम लेवल जो है वो इसका पीक जो आता है वो 400 to 500 ml के अराउंड आ जाता है। इसमें जो मसल्स होती हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो धीरे धीरे पहले तो प्रोग्रेसिव रेट में आगे बढ़ते हैं। ये है मिक्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शन, और एक टाइम पे आकर ये मिक्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इंट्रा वेसाइकल प्रेशर जो है वो यहाँ वाई एक्सिस पे मेंशन है 10, 20, 30, 40, और वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में मेंशन है। तो इसको ही हम दूसरी डायग्राम में और अच्छे से समझते हैं। क्या होता है कि इनिशियल फेज में जैसे ही यूरिन इन ब्लैडर में भरना स्टार्ट होता है, फिलिंग फेज होती है वो, और फिलिंग फेज के बाद जब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल आ जाता है, नाउ देयर इज एन अर्ज टू यूरिनेट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मिक्चुरेशन, ठीक है, और ये रिफ्लेक्स मिक्चुरेशन कहलाता है। अब हम इसका प्रॉपर व्यू देखते हैं सारा कि कैसे कहाँ से शुरू होती है ये प्रोसेस, ये रिफ्लेक्स। इनिशिएशन क्या होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ब्लैडर में जैसे ही यूरिन भरना स्टार्ट होता है इसमें टेंशन इंक्रीज होने लग जाती है, तो इसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो वॉल्स पे होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, क्योंकि स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, फिलिंग ऑफ ब्लैडर बाय 300 to 400 ml ऑफ यूरिन। ये 300 से कम है तो जो डिज़ायर है, जो यूरिनेशन का फीलिंग है वो कम होती है, लेकिन जैसे ही ब्लैडर जो है 300 to 400 ml पे जाता है, नाउ इट इज़ एन एडिक्वेट स्टिमुलस इन एडल्ट्स फॉर द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स टू अकर। तो 300 to 400 ml के बाद ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो एक एडल्ट पर्सन में होना शुरू हो जाता है। तो आफरेंट कहाँ से जाते हैं, आफरेंट मतलब सेंसरी फाइबर्स, तो सेंसरी फाइबर है यानी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, तो यानी जो ब्लैडर है यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि इसकी ब्लैडर की वॉल पे होते हैं, स्पेशली रिसेप्टर्स इन पोस्टीरियर यूरिथ्रा एंड डिट्रूसर मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, देन ट्रेवल अलोंग द पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स
एंड एंटर इन टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द डॉर्सल रूट्स टू S2, S3 एंड इट्स 4 सेगमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा कि पैल्विक स्प्लेनिक नर्व्स के थ्रू के साथ में ये ट्रैवल करती है इंफॉर्मेशन फिलिंग की, और फिलिंग की साथ साथ पेन की। देन एंटर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू डॉर्सल रूट एंड S2, S3 एंड S4 सेगमेंट्स एंड फाइनली रीच द सेक्रल मिक्चुरेशन सेंटर। कहाँ पहुँचती है? स्पाइनल कॉर्ड में जो सेक्रल मिक्चुरेशन सेंटर है वहाँ ये इन्फॉर्मेशन जाती है। अब ये सेक्रल मिक्चुरेशन सेंटर क्या होता है? ये फॉर्म्ड बाय सेक्रल डिट्रूसर न्यूक्लियस एंड सेक्रल पुडेंडल न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होते हैं जिसमें सेक्रल डिट्रूसर न्यूक्लियस होता है, दूसरा सेक्रल पुडेंडल न्यूक्लियस होता है। तो फाइनली एफरेंट फाइबर्स जो है यहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन ब्लैडर तक आना। एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम सेक्रल डिट्रूसर मसल्स आर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि डिट्रूसर मसल्स के जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स होते हैं, रिले इन गैंग्लिया नियर और विद इन द ब्लैडर और द यूरिथ्रा। तो कहाँ रिले होते हैं? या तो नियर पास में कोई गैंग्लिया में, या डायरेक्ट ब्लैडर और यूरिथ्रा में। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जो MCQ क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स आर एक्साइटेटरी टू डिट्रूसर मसल एंड इनहिबिटरी टू इंटरनल स्पिंचर। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स आर एक्साइटेटरी टू डिट्रूसर मसल और इनहिबिटरी किसके लिए होते हैं? वो इंटरनल स्पिंचर के। तो जब पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक फाइबर अगर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो डिट्रूसर मसल का तो एक्साइटमेंट होता है, और इनहिबिटरी क्या होता है? इंटरनल स्पिंचर। फाइनली रिस्पॉन्स क्या होता है? अब ओवरऑल रिस्पॉन्स रहा, व्हेन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड इट इज़ अ सेल्फ रीजनरेटिव, सेल्फ जनरेटिव। तो अगर किसी का जैसे ही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है, इसे माना जाता है ये सेल्फ जनरेटिव स्टेप है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही इनिशिएशन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर वॉल का, फर्दर एक्टिवेट द रिसेप्टर्स टू इंक्रीज द सेंसरी इंपल्स आफरेंट फ्रॉम ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा से और ब्लैडर से जो आफरेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। ये जो साइकिल होती है ये एक सिंगल कंप्लीट साइकिल होती है जिसमें तीन स्टेप्स में इसमें प्रोसेस आगे बढ़ता है। पहला है प्रोग्रेसिव एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे जैसे यूरिन आता जाएगा प्रोग्रेसिवली प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर एक टाइम आता है सस्टेन्ड प्रेशर का, कि पीरियड ऑफ सस्टेन्ड प्रेशर यानी प्लेटू फेज, देन रिटर्न ऑफ द प्रेशर टू द बेसल टोन ऑफ द ब्लैडर, एंड फाइनली रिटर्न द प्रेशर टू द बेसल टोन। ओवरऑल फाइनली जो साइकिल स्टॉप होती है वो कंप्लीट ब्लैडर टोन में, यानी मैक्सिमम पावरफुल स्ट्रांगली इनफ कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू होती है। यानी जब ये सेल्फ रेजेनरेटिव प्रोसेस है, फर्दर इंक्रीज इन रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग इट सेल्फ अगेन एंड अगेन, और ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट करती रहती है। इसी वजह से इनिशियली जो सिस्टोमेट्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं, यही मैक्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शन है। अगेन एंड अगेन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यू होते रहते हैं, और एक के बाद एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, जब तक कि ब्लैडर हैज़ रीच्ड अ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पासिस थ्रू द पुडेंडल नर्व्स टू द एक्सटर्नल स्पिंचर एंड कॉज इट्स इनिबिशन। और जब इसका इनिबिशन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, देन फाइनली मिक्चुरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इफ़ दिस इनिबिशन इज मोर पॉटेंट देन द वॉलेंट्री कंस्ट्रिक्टर सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन देन यूरिनेशन विल नॉट अगर। अगर वॉलेंट्री जो है कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को यूरिनेशन है लेकिन वो वॉलेंट्री कंट्रोल की वजह से अभी यूरिनेट नहीं करना चाहता, वापस से ये जो है स्टॉप हो जाते हैं। फिर कुछ मिनट से कुछ आवर तक, यानी मैक्सिमम 1 to 1/2 hour तक वापस से कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से बिगिन होते हैं। इफ़ नॉट सो यूरिनेशन विल नॉट अकर अनलेस द ब्लैडर फिल स्टिल मोर। और दोबारा में क्या होगा, वापस से चूंकि 125 ml/min की दर से यूरिन बन रहा है तो ब्लैडर तो कंटिन्यू फिल हो रहा है, उस हिसाब से अब जैसे ही वापस से इसमें थोड़ा अमाउंट में यूरिन और आता है तो यूरिन मिक्चुरेशन का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और भी पावरफुल हो जाता है। सो फाइनली जो मिक्चुरेशन है ये इसी तरीके से आपको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए, किस तरह से आप इसकी साइकिल्स को मेंशन करेंगे सिस्टोमेट्रोग्राम के थ्रू। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस डायग्राम में, ये देखिए
ये इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्चर है, पुडेंडल नर्व है, आफरेंट फाइबर। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ से कहाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में, ये सेक्रल पुडेंडल न्यूक्लियस है और ये है सेक्रल डिट्रूसर मसल न्यूक्लियस। तो ये दोनों जो है सेक्रल मिक्चुरेशन सेंटर कहलाते हैं। यहाँ से फाइनली जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो पेल्विक स्पैक्लिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स S1, S2, S3 के थ्रू कहाँ आ रहे हैं, एक तो डिट्रूसर मसल्स पे आ रहे हैं, इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्चर पे आ रहे हैं। पुडेंडल नर्व सोमैटिक फाइबर्स फ्रॉम S2 to S4 टू एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर। और ये कहाँ आ रहे हैं, एक्सटर्नल। अब माइनस का साइन जो होता है दैट इज़ इनहिबिटरी एंड प्लस का जो साइन होता है दैट इज़ एक्साइटेटरी। ये था इसका स्पाइनल कंट्रोल, क्या था, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स का स्पाइनल कंट्रोल। अब जो इसका सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल है वो क्या है कि ये जो सेक्रल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, ये सेक्रल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल से भी कंट्रोल होता है। कैसे, ये मोटर कॉर्टेक्स है। अब क्या हुआ, यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं कॉर्टिकल डिट्रूसर मोटर एरिया इन मोटर कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया से होते हुए पॉन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर जो कि ब्रेन स्टेम में है, ये दोनों क्या कहते हैं सेक्रल पुडेंडल न्यूक्लियस और सेक्रल डिट्रूसल मसल न्यूक्लियस पे पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ के थ्रू फर्दर फैसिलिटेशन होना है या इनहिबिशन होना है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एंड आई होप कि पिक्चुरेशन पे रिफ्लेक्स पे अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज के आंसर आप दे पाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह से और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।